ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। Of payment, what balance of payment? Balance of payment is the record of all transactions which are made between the people of a country and rest of the world. People means people plus government, all institutions, people and government of one country, and all the people, institutions and governments of other countries. So one side means whatever we make transaction, what people of our country, government of our country and institutions of our country, and what people, government and institutions of other country make transaction within, make transaction, that all are recorded in this balance of payment. Balance of payment में क्या करते हैं, जो भी हमारे देश के लोग हैं, सरकार है और संस्थाएं हैं, दूसरे देशों के साथ जितना भी लेन देन करती है वो सारा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। Balance of payment is the statement of account showing all monetary transactions of a country with rest of the world during a period of time that is 1 year. So within a 1 year, whatever transactions, whatever economic means monetary transactions are held between the people of a country and rest of the world are shown in balance of payment. So now the question, why these transactions are made? ये transaction की जरूरत क्यों पड़ती है, लेन देन क्यों होते हैं, लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे देशों से कुछ मंगाते हैं, कभी कभी कुछ खरीदते हैं, और दूसरे देश के लोग भी हमारे देश से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, because of this, these transaction arise. So first type of transaction is because people made export and import. लोगों की अपनी जरूरतों के लिए हम जो खरीदते हैं, बेचते हैं, उसकी वजह से पेमेंट करते हैं, उसकी वजह से होता है। तो क्या क्या वजह है, फर्स्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सो व्हेनेवर वी एक्सपोर्ट एनीथिंग वी गेट मनी, व्हेनेवर वी इंपोर्ट एनीथिंग वी हैव पे मनी। ओके, जब हम कुछ आयात करते हैं तो हमें धन देना पड़ता है, निर्यात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। सो दिस इज रिकॉर्डेड इन बीओपी, एंड अंडर द बीओपी देयर आर मेनी अकाउंट्स, देयर इज करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक्सेट्रा, वी विल रीड अबाउट दीज इन नेक्स्ट टॉपिक्स, जो आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वगैरह के बारे में, तो वो सब बहुत सारे अकाउंट होते हैं। सो अमंग देयर आर सो सब पार्ट ऑफ दीज अकाउंट, उनके सब पार्ट भी होते हैं। सो वन ऑफ दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एंड ये जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है गुड्स का, ये वी कैन सी द गुड्स, वी कैन टच द गुड, दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसलिए है जब हम वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं तो उसको बोलते हैं विजिबल ट्रेड, सादृश्य व्यापार भी बोलते हैं, विजिबल ट्रेड। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज मर्केंडाइज, मर्केंडाइज बोलते हैं। And second, export and imports of services. Many people work for us, and we also work for other countries. Many BPO services are provided by us. हम सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं टू अदर कंट्रीज, दूसरे देश। तो ये सारी जो सर्विस होती है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं, तो इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू मेक some transactions with people of other countries. इन सब के कारण क्या है, हमें दूसरे देशों के साथ कुछ लेन देन करना पड़ता है, ठीक है। And export and import of services is called invisible trade because we cannot see these services. We can just feel the services can all only be felt, ठीक है। We cannot see these things crossing the borders, एक मतलब borders of country, country के border को पार करते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरे देश के लिए work करते हैं, ठीक है। Then third region, international sale and purchase of financial assets. What are financial assets? Financial assets means bonds, securities, etc. Shares,
शेयर होते हैं, अंश पत्र होते हैं कंपनियों के, बांडे हैं, सिक्योरिटी प्रतिभूतियां, ये सारी जो चीजें होती हैं इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीदते हैं और बेचते हैं, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। सो व्हेन वी विल बाय एनी एसेट मींस फाइनेंशियल एसेट, देन वी विल गिव मनी टू अदर कंट्री, एंड व्हेन द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज इन्वेस्ट इन अवर कंट्री, इन्वेस्ट इन द स्टॉक ऑफ अवर कंट्री, शेयर्स ऑफ अवर कंट्री, सिक्योरिटीज ऑफ अवर कंट्री, देन दे विल हैव टू पे अस। अगर हम दूसरे देश से कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे देश में जाके वहां पे कुछ जाके का मतलब यहीं से बैठे बैठे काम करते हैं, तो हमें दूसरे देश को पैसा देना पड़ेगा। अगर हम वहां निवेश करते हैं, दूसरे देश के लोग यहां पे हमारे देश में निवेश करते हैं, हमारे देश के शेयर में, बॉन्ड में, किसी भी चीज में, तो उन्हें यहाँ पैसा भेजना पड़ेगा, ट्रांसैक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एस्टेट, रियल एस्टेट मीन्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है, जो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना। हेयर आल्सो वी शुड नो दैट मशीनरीज आर नॉट ट्रांसफर टू अदर कंट्रीज, जो भी मशीनरी है हमें दूसरे देश में नहीं भेजना है, ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग द मशीनरी, अदरवाइज इट विल बिकम विजिबल ट्रेड। We are in our country and we buy some land, building, machinery in other country. Means we invest in other country. हम दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वहां की लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह सब कुछ खरीद रहे हैं और यहीं पे बैठे बैठे, ठीक है, यहीं पे बैठे बैठे। अगर यहाँ पे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, मतलब वहां से मशीनरी यहाँ हमारे देश में आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, फर्स्ट वाले में आ जाएगा, बिकॉज देन वी विल सी द मशीनरी क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ दैट विल बी इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बट इफ वी इन्वेस्ट इन अदर कंट्री, वी डोंट ब्रिंग द मशीनरी इन अवर कंट्री, देन दैट विल बी इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री, अगर हम जो भी मशीनरी में निवेश किए हैं उसके अपने देश में नहीं लाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एस्टेट हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, सो वी गेट मनी व्हेन वी सेल एनीथिंग, वी प्रोवाइड सम सर्विसेज, एंड व्हेन फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन अवर कंट्री, जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में निवेश करते हैं, जब हम दूसरे देश के लोगों को कोई गुड सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, मीन्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। देयर इज इनफ्लो मीन्स इनफ्लो, अंतर प्रवाह मीन्स दिस फॉरेन एक्सचेंज कम टू अवर कंट्री, एंड व्हेन एवर वी बाय some goods or services from foreigners or we invest money to some other country, then what will happen, then outflow of foreign exchange will occur. जब हम दूसरे देश में अगर निवेश करेंगे या दूसरे देश से सामान खरीदेंगे, आयात करेंगे, तब क्या होगा, outflow होगा, ठीक है। So this regarded in बैलेंस शीट में हमको क्या करना है, इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करना है। रिसीव्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स व्हेन वी रिसीव मनी मींस क्रेडिट, एंड व्हेन वी पे मनी दैट विल बी डेबिट। सो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट्स, कंपोनेंट मींस व्हाट आर द सब पार्ट ऑफ दिस अकाउंट, अब इसके अकाउंट के बीओपी के कंपोनेंट क्या होंगे। बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, so there are two main parts of BOP, current account and capital account. BOP के दो main part हो गए हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। Okay, current means something that is for present time, and third part is official reserve account. This is the
other part. In sometimes we show official ledger account under the capital account and sometimes we write it separately. जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है कभी कभी क्या करते हैं हम इसको पूंजीगत खाते के अंतर्गत लिखते हैं और कभी कभी इसको हम अलग से लिखते हैं. ठीक है, इफ वी अज्यूम दैट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट देन देयर विल बी ओनली टू अकाउंट. अगर ऑफिशियल रिजर्व जो अकाउंट है, ठीक है, सरकारी जो कोष का अकाउंट है उसको अगर हम मान लें कि ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है तो केवल दो ही इसके कंपोनेंट या घटक रहेंगे, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. सो व्हाट इज करेंट? करेंट मींस दैट इज गोइंग ऑन टुडे, मींस समथिंग व्हिच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द फ्यूचर. ओके, कोई भी चीज जिसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है. देयर इज नो क्लेम अबाउट द ट्रांसैक्शन ऑफ टुडे इन फ्यूचर. आज जो भी ट्रांसैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसका फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर में उससे कोई क्लेम नहीं करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी एक्सपोर्ट गुड वी विल गेट मनी टूडे. अगर हमें इस गुड को एक्सपोर्ट करना है तो हमें क्या करना है, हमें क्या होगा, मनी जो है वो आज मिलेगा. ठीक है, नॉट इन फ्यूचर. इफ वी इम्पोर्ट goods or services, then we have to pay today. Okay, there is no relation with the future. But if we borrow money, then we have to repay in future. So this is not current. This is not the part of current account. अगर हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो आज का लेन देन है. आज आयात किया, आज पेमेंट काम खत्म. आज निर्यात किया, आज हमें पेमेंट मिला, काम खत्म. फ्यूचर से कोई लेना देना है. लेकिन अगर हम मनी बोरो करेंगे, उधार लेंगे, तो फ्यूचर में देना पड़ेगा. तो ये क्या होगा, बोरोइंग विल बी द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट नॉट करेंट अकाउंट. बोरोइंग करेंट का नहीं है. ठीक है, इन द सेम मैनर इफ वी इन्वेस्ट मनी इन अदर कंट्रीज देन इन फ्यूचर वी विल गेट प्रॉफिट. ओके, आज इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में हमें क्या मिल सकता है, प्रॉफिट. तो इन्वेस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट. फ्यूचर में अगर लेना देना है तो करेंट से कोई मतलब नहीं है. सो लायबिलिटीज और असेट्स ऑफ कंट्री liabilities and assets of a country do not change or neither raise nor reduce. So liabilities है यानी जो हमारी देता है, जो हमें money देना है, तो liabilities है. जो हमारी assets हैं उनमें कोई change नहीं आता है. ठीक है, clear हो गया सबको ये? आज अभी सभी को साफ सुनाई दे रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? सर, किसी को क्लियर है? सर, हाँ, फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना सर, हमको कुछ समझ नहीं आया सर. नेटवर्क प्रॉब्लम था ना करंट अकाउंट का? जी सर. जी, ओके. इन करंट अकाउंट व्हाट एवर ट्रांसैक्शन आर देयर आर ऑफ करेंट नेचर, मीन्स दे डू नॉट हैव एनी क्लेम एनी रिलेशन विद द फ्यूचर ट्रांसैक्शन. आज जो हम लेन देन कर रहे हैं उसका आज से मतलब है, भविष्य में कोई भी मतलब नहीं है. ओके, इफ वी एक्सपोर्ट मीन्स इफ वी सेल एनी गुड वी विल गेट मनी इन रिटर्न. वेन विल वी गेट द मनी? टूडे. आज हम बेच रहे हैं तो आज ही हमको पैसा मिल गया, कोई उधार नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इन द सेम मैनर इफ वी इम्पोर्ट टूडे देन वी हैव टू पे मनी टूडे. आज हमने इम्पोर्ट किया तो आज ही हमको पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसी चीजें जिनका फ्यूचर से लेना देना नहीं है वो हो गई करेंट अकाउंट. ठीक है, बट इफ वी इन्वेस्ट मनी देन इन फ्यूचर वी विल गेट प्रॉफिट. इफ वी इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ एनी फॉरेन कंपनी, इफ वी इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ एनी अमेरिकन कंपनी विच इज इन अमेरिका, देन वी विल गेट
वी विल गेट डिविडेंड इन फ्यूचर। अगर हम अमेरिका की किसी कंपनी में यहीं से बैठे बैठे निवेश करेंगे तो फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। सो दैट विल बी कैपिटल अकाउंट, वो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को नहीं देखना है, जिनसे फ्यूचर में कुछ लेना देना हो उसको नहीं शामिल करना है। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट, मीन्स सब पार्ट ऑफ दिस करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंतर्गत अब क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी चीजों को शामिल करना है, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट मीन्स व्हेन वी सेल द गुड, इम्पोर्ट मीन्स व्हेन वी बाय द गुड। मीन्स वी सेल द गुड टू अदर कंट्रीज फ्रॉम अवर कंट्री, गुड्स ट्रांसपोर्ट टू अदर कंट्री। वी कैन सी द गुड्स ट्रांसफरिंग द बॉर्डर ऑफ अदर अवर कंट्री। हमारे देश से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, गुड्स जो है हमारे देश की सीमा को पार करके दूसरे देश में जाती हैं। वी कैन सी एंड व्हेन वी इंपोर्ट वी कैन सी दैट गुड्स आर कमिंग टू अवर कंट्री, गुड्स आर क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ अवर कंट्री। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो भी देखते हैं कि गुड्स जो है हमारे देश में आता है। गुड्स मीन्स मशीनरी इज ऑल्सो गुड इफ दिस क्रॉस द बॉर्डर। अगर मशीनी जो है बॉर्डर क्रॉस करती है तो उसको भी हम गुड्स मानेंगे, ठीक है। तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है उसको इसमें शामिल करेंगे। एंड जस्ट आई टोल्ड दैट दीज आर विजिबल आइटम्स, मीन्स विच वी कैन से दीज आर आल्सो कॉल्ड मर्केंडाइज विजिबल ट्रेड। इसको मर्केंडाइज या विजिबल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। वी कैन सी क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। सेकेंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। अभी हमने देखा गुड्स के लिए वस्तुओं का अलग हुआ, सेवाओं का अलग है, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, हियर वी कैन नॉट सी द सर्विसेज क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ कंट्री, बट वी सेल आवर सर्विसेज टू अदर कंट्रीज एंड पीपुल ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो सेल दियर सर्विसेज टू अस, मीन्स दे वर्क फॉर अस एंड वी वर्क फॉर द पीपुल ऑफ अदर कंट्रीज। सर्विसेज में सेवाओं में क्या होता है, हमें सेवाएं एक देश से दूसरे देश में आते जाते हुए नहीं दिखती हैं, हम बैठे बैठे ही दूसरे देश के लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं, सेवाएं देते हैं। ऐसे दूसरे देश के लोग हमारे देश के लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड बिकॉज वी कैन नॉट सी द सर्विसेज क्रॉसिंग द बॉर्डर। हम यहाँ पे सर्विसेज को बॉर्डर क्रॉस करते हुए नहीं देख सकते हैं। हाँ, किसी को प्रॉब्लम? हाँ सर, जो सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सर वो नेटवर्क भी आता है सर, नेटवर्क? हाँ, नेटवर्क भी आता है। अगर नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे तो आएगा, एक देश दूसरे देश से दे रहा है तो, ठीक है। बीपीओ सर्विसेज, डू यू नो बीपीओ सर्विसेज, कॉल सेंटर एक्सेट्रा, इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस एक्सेट्रा, ओके। बीपीओ सर्विस, वी आर सिटिंग इन दिल्ली एंड चंडीगढ़, मुंबई एक्सेट्रा, मेनी सिटीज आर देयर वेयर बीपीओ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। सो अंडर बीपीओ सर्विसेज पीपुल वर्क फॉर द कंपनीज ऑफ अदर कंट्री, द पीपुल ऑफ अदर कंट्रीज कॉल देम एंड टेल दियर प्रॉब्लम। जो दूसरे देश के लोग हैं वो कॉल करते हैं बीपीओ सर्विसेज में। कहाँ पे कॉल करते हैं? दिल्ली में कॉल करते हैं, चंडीगढ़ जैसे शहरों में, नोएडा जैसे शहरों में जहाँ पे बीपीओ बहुत सारे हैं, तो वहाँ कॉल करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। लोग कहाँ के होते हैं? दूसरे देश के होते हैं, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सो अगेन नाउ दीज सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब ये जो सर्विसेज हुई इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी पार्ट है?
कारक सेवाएं और गैर कारक, फैक्टर सेवाएं और फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज. सो इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव स्टडीड व्हाट आर फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज मींस सर्विस ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा. जो भी भूमि, श्रम, पूंजी, साहस वगैरह होता है उसकी जो सर्विसेज होती हैं, वर्क होते हैं, उसको हम नोट करते हैं फैक्टर सर्विसेज में. ठीक है. सो इन लिव ऑफ दैट लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, व्हाट डू वी गेट? वी गेट फैक्टर इनकम, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हमको मिलती हैं. रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है और जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा मिलती है. ठीक है. सो दिस इज रिकॉर्डेड अंडर फैक्टर सर्विसेस, मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेस. ये फैक्टर सर्विसेस के अंतर्गत आता है. फैक्टर सर्विसेस रिकॉर्ड दोज इनकम विच आर गिवेन इन लिव ऑफ फैक्टर सर्विसेस. जो फैक्टर पेमेंट में जो फैक्टर इनकम होती है उसमें क्या शामिल करते हैं? वो सेवाएं के बदले प्राप्त आय या इनकम जो कि फैक्टर सर्विसेज के बदले दी गई हैं. नाउ इन्वेस्टमेंट इनकम मीन्स इफ वी इन्वेस्ट इन द कंपनी ऑफ अदर कंट्री और इफ वी इन्वेस्ट इन द लैंड ऑफ अदर कंट्री, तो देन व्हाट विल वी गेट? वी गेट रेंट और डिविडेंड एक्सेट्रा. कंपेंसेशन इफ वी वर्क लाइक इन बीपीओ सर्विसेस, बीपीओ सर्विसेज में कंपेंसेशन मिलेगा, सैलरी, मजदूरी वगैरह. और इन्वेस्ट करेंगे लैंड में या कंपनी में तो प्रॉफिट मिलेगा. इंटरेस्ट इफ वी पे लोन देन वी विल गेट इंटरेस्ट. नाउ नॉन फैक्टर सर्विसेज, गैर कारक सेवा मींस हियर लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज सर्विसेज आर नॉट हियर. हियर बैंकिंग, इंश्योरेंस, दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. जो भी शिपिंग होती है, शिपिंग मतलब सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप में वो, और बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस से रिलेटेड, बीमा से रिलेटेड जो सेवाएं हैं वो सारी आती हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज में. ठीक है. सो व्हाट एवर मनी वी गेट इन लिव ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंक सर्विसेज एंड शिपिंग, दैट इज रिटेन अंडर नॉन फैक्टर सर्विसेज, वी क्रेडिट दैट. And whatever money we pay in lieu of insurance, banking and shipping, that is on the debit side. जो हम पाते हैं, जो भी धन हमें मिलेगा insurance, banking और shipping के बदले, तो वो सारी चीजें हम credit side में दिखाएंगे. और जो हम धन देते हैं insurance, banking और shipping के बदले, वो debit side में. Now third part is current transfer. These are the three parts of current account of BOP. So third part is current transfer. Chalu hastantaran means current transfer. Iska bhi future se lena dena nahi hai, theek hai. But it is free of cost, means it is given without any work, without any buying and selling of goods. बिना कुछ किए ही ये मिल जाता है, बिना कोई काम नहीं करते हैं फिर भी मिल जाता है, और ना कुछ सेल करते हैं फिर भी मिल जाता है करेंट ट्रांसफर. सो दीज आर फ्री ऑफ, दीज आर आल्सो कॉल्ड यूनिलेटरल पेमेंट्स. यूनिलेटरल पेमेंट्स भी बोलते हैं इनको, मीन्स वन साइडेड पेमेंट. ट्रांसफर मीन्स मनी इज ट्रांसफर्ड वन साइडेड, बट अदर साइड डू नॉट पे फॉर दैट. मनी जो है एक साइड से दिया जाता है, दूसरे का कोई मतलब नहीं है, दूसरा कुछ नहीं देता है. So how can we make such transaction? By giving grants, loan, donation, loan not, gifts and donation, grants, gift, donation, etc. Remittances, I told in previous chapter what are remittances. When money is sent by non-residents, then that come under remittances. Jo money jo hai non-residents se jariye bheja jata hai, wo remittances mein aata hai. गिफ्ट हो गया, गिफ्ट फ्री में दिया जाता है, बदले में कुछ नहीं. ग्रांट, डोनेशन, ये सब जो गवर्नमेंट्स वगैरह करती हैं, देती हैं, वो सब चीजें. ठीक है. दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल आइटम्स, नॉट ट्रेड, बिकॉज हियर वी आर नॉट ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं. तो दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स ऑफ बीओपी. बीओपी के इनविजिबल आइटम्स में भी इसको
मतलब कहते हैं कि इनविजिबल अदृश्य मदे हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या रहा है इस चैप्टर में, अंडर बीओपी अंडर द करेंट करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी व्हाट आर द थिंग्स वी सी, व्हाट आर द आइटम्स वी सी, कौन से आइटम्स हम देखते हैं बीओपी के, बीओपी के करेंट करेंट अकाउंट में। सो क्या देखते हैं, करेंट ट्रांसफर देखते हैं, ओके। दीज आर इनविजिबल एंड सर्विसेज मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो इनविजिबल आइटम। सो अंडर इनविजिबल आइटम्स देयर आर टू पार्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करेंट ट्रांसफर। करेंट ट्रांसफर और ये जो करेंट ट्रांसफर है और जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये दोनों किसके पार्ट हैं, इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल आइटम्स के पार्ट हैं। एंड दिस इज विजिबल, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अगर इसको हम दो पार्ट में और डिवाइड करना चाहें तो इनविजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम ऐसे भी कर सकते हैं। इन इनविजिबल आइटम्स ऑफ बीओपी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करेंट ट्रांसफर एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, वही दोनों चीजें जो हमने बताई वही आई ना, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज और दूसरा करेंट ट्रांसफर। सो अंडर द करेंट ट्रांसफर देयर आर, सॉरी, अंडर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये भी हो गया, इनविजिबल हुआ प्लस इसमें कर दे विजिबल, विजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो दोनों मिला के बन जाएगा क्या, करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी, ओके। करेंट स्ट्रक्चर ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड, बोथ टूगेदर मेक बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड दिस सेकेंड पार्ट इज इंडिविजुअल आइटम, दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंटाइज और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया और ये इनविजिबल वाला दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी अभी, इनकम नॉन फैक्टर सर्विसेज, करेंट ट्रांसफर, इनकम ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, करेंट ट्रांसफर, थ्री पार्ट्स, ओके। तो अब कल पढ़ेंगे आगे इसके बाद। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। Thank you.